क्लास 8। अब हमारे पास देखिए ये एनसीईआरटी एडवाइजर यानी आरबीएसई का क्वेश्चन है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। अब एसपी दे रखा है और गेन प्राइस दे रखा है, तो ये एसपी और गेन प्राइस क्या होता है हमें सबसे पहले इसके बारे में जानना है। देखिए ये हमारे पास सीपी एसपी, ठीक है, सीपी एसपी प्रॉफिट लॉस ये हमारे पास होता है। उसके बाद एमआरपी होता है, ये हमें आगे पता है। सीपी वो होता है जिसपे हम कोई सामान क्या करते हैं, परचेज करते हैं यानी खरीदते हैं, ठीक है। और एसपी क्या होता है, जैसे हमें किसी भी सामान को अपने जैसे 100 रुपए में खरीद के लाए और 120 रुपए में बेच दिए, तो ये हमें सेल प्राइस हो गया। अब जो 100 रुपए का सामान खरीद के लाए और उसको हम 120 रुपए में बेच दिए, तो हमें ये प्रॉफिट मिला और ये हमारे पास लॉस हुआ। तो देखिए सबसे पहले कोई सामान को हम 100 रुपए में खरीदे, ठीक है, और 120 रुपए में क्या किए, सेल किए यानी बेच दिए, तो हमें प्रॉफिट कितने का हुआ, 20 रुपए का, ठीक है। तो ये हो गया, उसके बाद ये प्रॉफिट हुआ। और एक होता है प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज। तो देखिए हमें कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ ये जानना था, ठीक है। और दूसरा होता है हमारे पास, जैसे कोई भी सामान हम 100 रुपए का खरीद के लाए और उसको हम 80 रुपया में सेल कर दिए, तो जैसे ही हम उसको 80 रुपये में सेल किए, तो हमें कितने परसेंट का लॉस हुआ, यानी प्रॉफिट तो हुआ नहीं, 20 रुपये का क्या हुआ, लॉस हुआ। तो उसी को हम प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट में आगे करके ना एडजस्टमेंट करते हैं कि कितना परसेंट हमें वो हुआ, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस, प्रॉफिट और लॉस परसेंट, ठीक है। तो इसके लिए कुछ ना प्रॉफिट और लॉस के फॉर्मूले, तो जैसे हमारे पास गिवन क्या रहेगा, हमारे पास दो चीज तो गिवन ही रहेगा, सेल प्राइस और कॉस्ट प्राइस। तो देखिए जो कॉस्ट प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस में जो रिलेशन होता है वो हमारे पास क्या होता है कि इस रिलेशन को हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो देखिए कुछ फॉर्मूले हैं, उस फॉर्मूले बेस पे ही आपको करना है, डायरेक्ट तो करना नहीं है। तो जैसे इसमें कुछ फॉर्मूले दे रखे हैं, पहले वो लिखिएगा, ये आपके पास कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं, ये प्रॉफिट लॉस, उसके बाद डिस्काउंट, उसके बाद ये देखिए प्रॉफिट एंड लॉस का ये है और ये है। तो इस फॉर्मूले को आपको ना अच्छे तरीके से याद करना है, वीडियो पॉज करके लिख लीजिए, ये आपके पास बुक है तो लिख लीजिए, ठीक है। तो जैसे ही आपके पास एसपी, ठीक है, ये है आपके पास, तो एसपी इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे ये ध्यान, ठीक है। तो एसपी की जैसे ही बात करें तो यहाँ पे हमारे पास सीपी कॉस्ट प्राइस, तो अब हमें कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हमें यहाँ पे जैसे देखिए एसपी है सीपी है, तो अगर हमारे पास गिवन है क्या सीपी और प्रॉफिट परसेंट गिवन है, तो हमें इसको कैसे निकालना होगा, ठीक है। तो एसपी बराबर हम क्या करते हैं कि दो चीज हमारे पास प्रॉफिट दे रखी था, तो एसपी इक्वल टू सीपी इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास सीपी कॉस्ट प्राइस इक्वल टू एसपी गुणे 100 अपॉन 100 प्लस, या तो सीपी को अलग से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और ये तो हमारे पास प्रॉफिट के केस में हुआ, लॉस के केस में ये अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये लॉस के केस में हम लिखेंगे कि एसपी बराबर यहाँ पे लिखेंगे सीपी मल्टीप्लाई 100 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन 100। और सीपी में जैसे ये हमारे पास सीपी है, तो इसके केस में जैसे ही हम इसको करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे सेल प्राइस मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंटेज। तो अगर हमारे पास लॉस होगा तो हम उसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ये हमारे पास फॉर्मूला। अब प्रॉफिट परसेंटेज की बात करते हैं और लॉस परसेंटेज की बात करते हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंटेज की जैसे ही हम बात करते हैं, तो कोई भी जैसे हमें प्रॉफिट मिलेगा वो कॉस्ट प्राइस पे मिलेगा और लॉस भी मिलेगा तो हमें
कॉस्ट प्राइस नहीं मिले। ठीक है, देखिए अगर हम 100 रुपये का सामान लाए हैं और 20 रुपये का हमें प्रॉफिट हुआ है, तो हमें प्रॉफिट 20 रुपये का मिला किस पे मिला, इस पे ना, ना कि एसपी पे। तो हमें बार बार जो भी या तो प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमें किस पे मिलेगा, ये कॉस्ट प्राइस मिलेगा। तो हमें यहाँ पे लिखना होगा प्रॉफिट, जितना भी प्रॉफिट होगा प्रॉफिट अपॉन में सीपी, ये आपके पास हो जाएगा। वैसे ही लॉस परसेंटेज की बात करते हैं, तो आपके पास लॉस परसेंटेज हम लिखेंगे, तो ऊपर में जितने का लॉस होगा, लॉस अपॉन में सीपी मल्टीप्लाई, ये आपके पास कुछ बेसिक फॉर्मूले। जैसे ही इस बेसिक फॉर्मूले को जान जाते हैं, तो उसके बाद हम जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है एसपी इज इक्वल टू गेन गेन, ये आपके पास लिखा हुआ है। ठीक है, पहला हमारे पास क्या दे रखा है, एसपी दे रखा है और गेन दे रखा है, और हमें निकालना क्या है सीपी। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखिए, एसपी मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 प्लस 40, ये लिखेंगे। यानी सीपी इज इक्वल टू हमें निकालना हो तो क्या लिखेंगे, एसपी मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। इसको जैसे ही हम सोल्व करते हैं, सीपी बराबर हमारे पास एसपी कितना है 120 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 प्लस कितना है 12%, हमने यहाँ पे 12%। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो जैसे ही हम सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास 120 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 112। ठीक है, अब इसको आपको क्या करना होगा, काटते जाना होगा। तो देखिए इसको भी डिवाइड कीजिए टू से, ये आपके पास कितना हो जाएगा 56, और ये कितना हो जाएगा आपके पास 9 2 18। ठीक है, 2 1 3। ठीक है, इसको और काटिए, तो जैसे ही इसको काटिएगा 28, और इसको काटिएगा तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये देखिए 4 2 8 5 2 10 और ये 5 2 3। अब इसको जैसे ही इस टाइम से डिवाइड कीजिएगा, ये आपके पास आएगा 16.25। अब जैसे ये 16.25 आएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 16.25 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू 1200। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं क्या सही है ये। सही है, यानी ये आपके पास सही है। वैसे ही आपके पास क्वेश्चन नंबर सेकंड है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड की जैसे ही बात करते हैं, तो आपके पास क्या दे रखा है, एसपी दे रखा है। एसपी कितना दे रखा है 1596, और गेन परसेंटेज दे रखा है 12%। तो जैसे ही हम एसपी की वैल्यू निकालेंगे, तो एसपी इज इक्वल टू होता है सीपी गुणा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अकाउंट। तो एसपी आपको निकालना है, तो ऐसे ही आप इसको निकालिएगा, दिस सिंपल एसपी बराबर सीपी आपके पास, सॉरी एसपी ही आपको निकालना है, सीपी ही आपको निकालना है, सब क्वेश्चन क्या निकालना है सीपी ही निकालना है। सीपी इज इक्वल एसपी 100 अकाउंट। इसको जैसे ही करते हैं, हमारे पास सीपी आ जाएगा, दिस इज बाय सीपी इक्वल टू 1596 × 100 मल्टीप्लाई 11। ठीक है, इसको फिर वैसे ही काट दीजिए, जैसे ही काटिएगा ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये आप जैसे ही काटिएगा, ये हमारे पास तो इसको आप जैसे ही काटिएगा, ये आपके पास क्या हो जाएगा 5 2 10 और 6 2 12। इसको काटिए 2 से, तो 7 2 14 9 2 18 और ये 8 2 16। ठीक है, फिर इसको 2 से काटिए 28, इसको काटिएगा
थ्री टू जा सिक्स और नाइन टू जा एटीन और थर्टीन। इसको जैसे ही इससे किया ये आपके पास आएगा 14.25। आप डिवाइड करके देख लीजिए, जैसे ही आप डिवाइड कीजिएगा तो ये आपको आएगा आंसर 14.25 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू ये हो जाएगा, ये आपका आंसर, यानी ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही क्वेश्चन नंबर थर्ड फोर्थ सिक्स, एक एक क्वेश्चन पे हम करते चलेंगे।